हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। फंक्शन की मदद से मेन्यूज कैसे बनाए जाए, तो यहाँ पर एक प्रोग्राम मैंने लिख रखा है। अब ये मेन्यू वाला ही है, ठीक है, यानी इसमें चॉइस आप कर सकते हैं। तो चॉइस को लेकर के और भी कई सारे प्रोग्राम मैंने आपको दिखाए हैं पाइथन के अंदर। यहाँ पर अलग अलग कोडिंग करी गई है। जैसे सबसे पहले तो एक मेन फंक्शन बनाया गया है, और फंक्शन बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेफी यूज करते हैं। फिर यहाँ पर अगर ट्रू हो तो फिर मेन्यू में हम जाएंगे और चॉइस एंटर करेंगे। वन एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऐड नाम से फंक्शन बनाया गया है, टू एंटर करेंगे तो सब्ट्रैक्ट नाम से बनाया गया है, थ्री एंटर करेंगे चॉइस टू मल्टीप्लाई, और फोर एंटर करने पे डिवाइड, और अगर फाइव एंटर कर देते हैं तो बाहर आ जाते हैं और इनवैलिड चॉइस आपकी हो जाती है। और फिर यहाँ पर मेन्यू नाम से बनाया गया है, तो मेन्यू खुलेगा तो क्या क्या होगा, वन के लिए ऐड होगा, टू के लिए सब्ट्रैक्ट होगा, थ्री के लिए मल्टीप्लाई, फोर के लिए डिवाइड और फाइव के लिए एग्जिट होगा। अब इस एडिशन के लिए कोडिंग करी गई है यहाँ पर, तो ये कोडिंग कुछ इस तरीके से है। फिर सब्ट्रैक्शन के लिए देख सकते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए, फिर डिवीजन के लिए, ठीक है। फिर उनको डिफाइन भी किया गया है, तो इस तरीके से ये कोडिंग करी गई है, और आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कोडिंग। और यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको चलाना है, तो एक बार इसको यहाँ से रन कराते हैं, देखते हैं क्या होता है, चलता है या नहीं चलता है। तो यहाँ पर आकर के, और इसको तो पहले सेव करना होगा, तो किसी भी नाम से जाकर के इसको सेव कर सकते हैं आप। तो देख सकते हैं जैसे ही ये प्रोग्राम चला तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है मेन्यू, और फिर यहाँ पे एडिशन के लिए वन, सब्ट्रैक्शन के लिए टू, मल्टीप्लिकेशन के लिए थ्री, डिवीजन के लिए फोर, और एग्जिट के लिए फाइव। तो अभी हम अगर वन प्रेस करते हैं तो यहाँ क्या आया है, एंटर फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पहला नंबर एंटर कर देते हैं, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, दोनों का एडिशन होके आ गया, ठीक है। अगर टू प्रेस करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे, फोर है ये टू है, तो ये यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है सब्ट्रैक्शन करके दे रहा है, फोर में से टू माइनस करेंगे तो टू ही आएगा। अगर बात करें मल्टीप्लाई के लिए, तो मल्टीप्लाई के लिए हम थ्री प्रेस करेंगे, और यहाँ पे सिक्स को सेवन से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो यहाँ पे देखिए 42 आ रहा है आंसर। इसी तरीके से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ये मेन्यू वाला प्रोग्राम आप बना सकते हैं, चाहे तो आसान है बनाना, चाहे फंक्शन की मदद से बनाइए, और बिना फंक्शन के तो पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।